Good morning, everyone. Continuing with our next topic, my next topic is installment payment system. Installment payment system का क्या मतलब है? जिसे hire purchase system है, buying and selling का, उसी तरीके से installment payment system भी है buying and selling के लिए. इस method के अंदर हम क्या करते हैं? जो payment है, वो installments में की जाएगी. लेकिन इस मेथड में as compared to higher purchase system जो डिफरेंस है वो क्या है? अंडर इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम मेथड जो बायर है वो इमीडिएटली जब उसको गुड्स ट्रांसफर हो गई है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल साइन हो गया है, वो उसका ऑनर बन जाता है. जबकि हायर परचेज सिस्टम में वो ऑनर कब बनता है? जब वो लास्ट इंस्टॉलमेंट की पेमेंट कर देता है. लेकिन इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में जब आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल साइन हो गया, इमीडिएटली जो पर्सन है, जो परचेजर है, वो आपका ऑनर बन जाता है गुड्स का. अगर जो बायर है वो डिफॉल्ट करता है इन द पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट, तो जो सेलर है अंडर इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम वो गुड्स को वापस नहीं ले सकता. वो सिर्फ और सिर्फ बायर को अनपेड इंस्टॉलमेंट्स के लिए स्यू कर सकता है, उसे कोर्ट में ले जा सकता है. इसके अलावा वो और कुछ एक्शन नहीं ले सकता है. तो डेफिनेशन क्या है इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम की? अकॉर्डिंग टू J.R. बाटलॉय, अंडर एन एग्रीमेंट टू परचेज एंड पे बाय इंस्टॉलमेंट्स द गुड्स बिकम द प्रॉपर्टी ऑफ द परचेजर इमीडिएटली व्हेन ही रिसीव्स द डिलीवरी ऑफ द सेम. इसके अंडर जो आपका इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम है, इसके अंडर एक एग्रीमेंट है परचेज का और पे करने का इंस्टॉलमेंट्स में अमाउंट, और जो गुड्स हैं वो प्रॉपर्टी बन जाती है इमीडिएटली परचेजर की जब उसे डिलीवरी मिलती है गुड की. करेक्टरिस्टिक क्या है इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम के? सबसे पहला कॉन्ट्रैक्ट ऑफ क्रेडिट सेल है. जो इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम के अंडर अगर आप गुड को खरीद रहे हो तो ये एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ क्रेडिट सेल है. और जो डिफरेंस है बिटवीन हायर परचेज एंड क्रेडिट सेल ऑलरेडी हम अपने लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं. द नेक्स्ट इज पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट. जो पेमेंट है ऑफ प्राइस ऑफ गुड्स जो आपने एग्री की है करने की, वो आप इंस्टॉलमेंट्स में करते हैं. देन ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप, जो ऑनरशिप है गुड्स की वो इमीडिएटली ट्रांसफर हो जाती है बायर को जब वो साइन करता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल. देन डिलीवरी ऑफ गुड्स, जो डिलीवरी ऑफ गुड्स है बायर को जब उसने साइन किया कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल तभी इमीडिएटली कर दी जाती है. देन इन केस ऑफ डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट, अगर जो आपका बायर है वो डिफॉल्ट कर जाता है इन द पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट, तो जो सेलर है वो गुड्स को वापस नहीं ले सकता, ना ही जो इंस्टॉलमेंट उसने ऑलरेडी पे की है वो उसको फॉरफिट कर सकता है. वो सिर्फ और सिर्फ जो भी आपकी अनपेड इंस्टॉलमेंट्स और इंटरेस्ट है उसके लिए स्यू कर सकता है. देन राइट ऑफ सेल और मॉर्टगेज ऑफ गुड्स, जैसा कि हमने पहले ही कहा कि जो बायर है इमीडिएटली ऑनर बन जाता है गुड्स का ऑन साइनिंग द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, इसीलिए उसके पास राइट है कि वो सेल कर सकता है या मॉर्टगेज कर सकता है गुड्स को इवन बिफोर द पेमेंट ऑफ ऑल द इंस्टॉलमेंट्स. देन डिफरेंस क्या है बिटवीन हायर परचेज सिस्टम एंड इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम? सबसे पहला जो पॉइंट है बेसिस ऑफ डिफरेंस का, दैट इज नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. जो हायर परचेज सिस्टम है वो एग्रीमेंट है हायर करने का, जो बाद में जब आपने लास्ट इंस्टॉलमेंट पे कर दी है तब वो बन जाता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल. लेकिन जो इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम है ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है स्टार्टिंग से ही. देन स्टेटस ऑफ बायर की बात करें तो हायर परचेज सिस्टम में बिगनिंग में जो हायर परचेजर है वो जस्ट एक किराएदार की तरीके से काम करता है, और एक्चुअल ऑनर वो कब बनता है? जब लास्ट जो इंस्टॉलमेंट है उसकी पेमेंट वो कर देता है. इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में जो बायर है वो एक्चुअल ऑनर है गुड्स का फ्रॉम द वेरी बिगनिंग. ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप की बात करें तो जो ऑनरशिप है गुड की वो ट्रांसफर होगी जब आप पेमेंट कर दोगे लास्ट इंस्टॉलमेंट की अंडर हायर परचेज सिस्टम. जबकि इंस्टॉलमेंट पेमेंट मेथड में जो ऑनरशिप है गुड की जब आपने साइन किया कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल तभी ट्रांसफर हो जाती है. रिस्क की बात करें तो हायर परचेज सिस्टम में रिस्क है कि जो आपका गुड्स पे जो भी रिस्क है कि गुड खराब हो जाएगी या उसको रिपेयर चाहिए,
प्रॉपर मेंटेनेंस उसकी रखने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, तो वो जितने भी रिस्क है गुड्स के वो बॉन वेंडर करेगा ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन इन इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम मेथड जो रिस्क है गुड्स का वो किस कौन बॉन करेगा, बायर, जो आपका पर्सन है जिसने गुड्स को परचेज किया है। जब भी हम इन पॉइंट्स की बात देखते हैं कि रिस्क किसका है या रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है नॉर्मल रिपेयर की, तो हम जो चीज देखते हैं दैट इज उसका ऑनर कौन है। देन नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है दैट इज राइट टू रिपोसेस द गुड्स। हायर परचेज सिस्टम के अंडर जो वेंडर है वो गुड्स को वापस ले सकता है अगर डिफॉल्ट करता है परचेजर इन द पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट, जबकि इन केस ऑफ इंस्टॉलमेंट पेमेंट मेथड जो सेलर है वो गुड्स को वापस नहीं ले सकता। देन राइट ऑफ फॉरफीचर ऑफ इंस्टॉलमेंट, इन केस ऑफ हायर परचेज मेथड जो वेंडर है वो फॉरफिट कर सकता है इंस्टॉलमेंट्स जो भी ऑलरेडी पे की हैं हायर परचेजर ने अगर वो डिफॉल्ट करता है इन द पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट्स, जबकि इन द इंस्टॉलमेंट पेमेंट मेथड जो सेलर है वो फॉरफिट नहीं कर सकता इंस्टॉलमेंट्स को जो ऑलरेडी उसे रिसीव हो चुकी है, वो सिर्फ जो भी अनपेड अमाउंट है उसके लिए स्यू कर सकता है। देन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ नॉर्मल रिपेयर, इन केस ऑफ हायर परचेज जो वेंडर है वो रिस्पॉन्सिबल होगा गुड्स को रिपेयर करवाने के लिए, कब तक, जब तक जो फाइनल इंस्टॉलमेंट है उसे पे नहीं हो जाती। इन केस ऑफ इंस्टॉलमेंट पेमेंट मेथड जो बायर है वो रिस्पॉन्सिबल होगा गुड्स को रिपेयर करवाने के लिए। देन सेफ्टी ऑफ गुड्स की बात करें तो इन केस ऑफ हायर परचेज सिस्टम जो हायर परचेजर है वो लायबल होगा वेंडर को प्रॉपर सेफ्टी रखने के लिए गुड्स की, जबकि जो इन केस ऑफ इंस्टॉलमेंट पेमेंट मेथड है बायर लायबल नहीं होगा सेलर को फॉर द प्रॉपर सेफ्टी ऑफ गुड्स, क्योंकि जो बायर है वही ऑनर है तो उसकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है गुड को सेफली रखना। देन राइट टू सेल और मॉर्टगेज द गुड्स, इन केस ऑफ हायर परचेज जो हायर परचेजर है उसके पास कोई राइट नहीं है गुड को सेल या मॉर्टगेज करने का लास्ट इंस्टॉलमेंट की पेमेंट से पहले, लेकिन इन केस ऑफ इंस्टॉलमेंट पेमेंट मेथड जो बायर है उसके पास राइट है सेल या मॉर्टगेज करने का गुड्स को फ्रॉम द वेरिंग बिगनिंग, क्योंकि वो ऑनर है। बेलमेंट की बात करें तो इन केस ऑफ हायर परचेज सिस्टम जो हायर परचेजर है वो एक्ट करता है एज अ बेली, जबकि इन केस ऑफ इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम जो बायर है वो ऑनर है गुड्स का, तो बेली वाला जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे अराइज नहीं होता। तो ये था हमारा डिफरेंस बिटवीन हायर परचेज सिस्टम एंड इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम। थैंक यू सो मच।